आई मीना होम मेड कुकिंग चैनल में आप लोग का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ब्रेड से मिठाई बनाने। तो ये हमारा देखिए अच्छी क्वालिटी का ब्रेड है, ताज़ा। तो अब हम चलिए देखते हैं इसको कैसे काटा जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे, ये किनारे साइड का इसका हम काट के निकाल देंगे। देखिए हमने चारों तरफ इसका किनारे साइड का निकाल दिए। अब इसको हम बीच से ऐसे काट के इसका चार भाग हम बना देंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारे ब्रेड को काट लेंगे। देखिए हमने सारा काट लिया है, अब इसको हम एक प्लेट में रखेंगे। तो देखिए हमने एक प्लेट में रख दिया है, अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। तो देखिए हमने गैस जला करके कढ़ाई को रख दिया है, तो इसमें अब हम डालेंगे घी। देखिए हमने घी को डाल दिया है, ये गाय का शुद्ध घी है घर का। तो देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है, तो अब हम ब्रेड को इसमें एक एक करके ऐसे डाल देंगे। अब इसको अलग पलट के हम अच्छी तरह पका लेंगे मीडियम आंच पे। तो देखिए ये अच्छी तरह हमारा पक चुका है, अब एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे सारे। तो देखिए हमने सारा बना लिया है, अब इसका हम जो है दूध का पाक चढ़ा करके रस मलाई बनाएंगे इसको दोस्तों, बहुत अच्छा नए तरीके से हम। तो ये देखिए हमारा एक लीटर दूध है, काऊ मिल्क का ताजा दूध। देखिए हमने गैस जला दिया है और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे कंटिन्यू। तो देखिए हमारा दूध गर्म हो चुका है, और एक मैंने करछुल हम दूध निकाल लेंगे इतना, और ये हमारा एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, इसको इसी में हम घोलेंगे। ये दूध में हमारे उबाल आ चुका है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर के धागे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम चला देंगे। ये हमारा 100 ग्राम चीनी है, इसको इसमें हम डाल दे रहे हैं। अब अच्छी तरह इसको हम चलाते रहेंगे बराबर से, ताकि ये लगे नहीं। तो देखिए दूध हमारा आधा हो चुका है, तो अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये देखिए एक चम्मच हमारा कस्टर्ड पाउडर है, और ये हमारा दूध है, इसको हल्का हम गुनगुना कर लिए हैं। अब इसको हम इसमें डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। तो हमने देखिए इसको अच्छी तरह घोल लिया है, अब धीरे धीरे इसको हम डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इलायची कूट करके डाल देंगे, इससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए दूध हमारा हल्का गुनगुना है, तो अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये हमारा बाउल है, इसी बाउल में हम निकाल लेंगे दूध को। तो अब हम इसको रसमलाई को इसमें डाल देंगे, ये देखिए कितना अच्छा। तो देखिए कितना अच्छा से ये डूब गया है दूध में। अब ऊपर से हम इसके बादाम डाल देंगे काट करके बारीक। तो देखिए कितना अच्छा बन गया, अब हम सर्व करके आपको दिखाएंगे।